इलेवेन बा प्लस टू फास्ट इयर बायोलॉजी पार्ट आरंभ करने को जाऊँ। तो बायोलॉजी दुईट पार्ट गोटे हूँ जूलॉजी आ गोटे हूँ बॉटनी। तो आज बॉटनी पार्ट प्रथम स्टार्ट करने आगर तो प्रथम जानवा ह्वाट इज साइंस बा साइंस रो डेफिनेशन कौन। तो आम जानवा आगर साइंस कौन बा साइंस रो डेफिनेशन कौन। तो ह्वाट इज साइंस, साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी और ए इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन ना साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, साइंस हूँ गोटे तथ्य जहाँकि निर्भर करते एक्सपेरिमेंट माने परीक्षा बा तत्व उपरे एन इंक्वायरी ऑफ और इन्वेस्टिगेशन जहाँकि परीक्षा निरीक्षा द्वारा तुम्हें किसी नूतन तथ्य पाई था बा कौन सी एक तथ्य को तुम ग्रहण कर नूतन जिन तैयार करने साइंस कह जाए। तो साइंस द वर्ड साइंस हेज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मीन्स टू नो। ए कौन ना लैटिन वर्ड साइंसिया रु आसी जार मीन्स टू नो माने जानिबा। तापर जानिबा आम कौन बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस लाइक एनर्जी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन इटीसी। तो प्रथम जानिबा बायोलॉजी कौन। बायोलॉजी हूँ साइंस रो गोटे पार्ट जहाँकि आमको जनई थाए लिविंग ऑर्गेनिज्म मान विषय में। लिविंग ऑर्गेनिज्म माने माने जीवंत ऑर्गेनिज्म जो मानकर लाइफ प्रोसेस से मानकर प्रतिदिन घटनावल को जेपरिक लाइक एनर्जी मेटाबॉलिज्म माने चयपचय ग्रोथ माने वृद्धि रिप्रोडक्शन माने वंश विस्तार। तापर बायोलॉजी इट वाज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट इज बायोस एंड लॉगोस व्हेयर बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। बायोस मीन्स लाइफ आ स्टडी लॉगोस मीन्स स्टडी। तो एथर कौन है ना बायोलॉजी मीन्स है लाइफ आउ स्टडी को लेकिन बायोलॉजी माने गोटे लाइफ को लेकिन बायोलॉजी कह। तो फादर माने समूह जिनसर सृष्टिकर्ता बा कहीं जन रही था जी सृष्टि कर। तो एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी फादर क्या कह जाए ना एरिस्टोटल को बायोलॉजी फादर कह जाए। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स या को दुई भाग प्रकृत कर गोटे हूँ बॉटनी आ गोटे हूँ जूलॉजी। तो तुमने नोट कर नि तो नोट कर सारापर आम जाना बॉटनी कौन देन जाना जूलॉजी कौन। बॉटनी तो ये जाना व्हाट इज बॉटनी बा बॉटनी रा डेफिनेशन कौन। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ माने कौन ना बॉटनी। बॉटनी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यह हूँ बायोलॉजी गोटे पार्ट जहाँकि डीप कौन कह जाए ना प्लांट लाइफ विषय स्टडी करने को बॉटनी कह जाए। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बॉटनी व्हिच मीन्स प्लांट यह कौन ना ग्रीक वर्ड रहा मीन्स बॉटनी बॉटनी जार मीन्स हूँ प्लांट माने उद्भिद। थियोफ्रास्ट्रस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्ट्रस को बॉटनी फादर बोली कहुए। तो ये जानवा जूलॉजी व्हाट इज जूलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एनिमल्स लाइफ सच एज इट्स स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म लोकोमोशन लाइफ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। तो कौन ना इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी गोटे पार्ट जहाँकि आमको जनई थाए लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक विषय में मैं लिविंग एनिमल विषय में जहाँ जमानकर एनिमल मानकर स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म माने चयापचय लोकोमोशन माने चलप्रचल लाइफ हिस्ट्री माने जीवन काल एवं इवोल्यूशन माने पूर्वज व अतीत मानक विषय में जनई थाए। इट इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड यह दुईट ग्रीक वर्ड रसी जहाँ हूँ गोटे जोस आ गोटे लोगोस जोठार कि जोस रीन हूँ एनिमल लोगोस रीन स्टडी एनिमल विषय स्टडी करने को आम जूलॉजी बोली कही था। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी फादर क्या कह जाए ना एरिस्टोटल को जूलॉजी फादर बोली कह जाए। तो तुम्हें मैंने यहाँ को नोट कर नि तो आम ए जान लें बॉटनी किसी कनसेप्ट विषय में। तो एबे आमे बॉटनी रो फर्स्ट चैप्टर बा यूनिट वन अच्छी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आमे प्रथमे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड रु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट यूनिट वन आमर कौन अच्छी ना डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो प्रथमे जानिबा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड व्हाट इज लिविंग। एवरीबॉडी इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो समस्ते प्रथमे जानिबे जानिबा बहुत सहज लिविंग कोटा आउ नॉन लिविंग कोटा बट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन और एक्सप्लेन व्हाट इज रिमेन लाइफ
किंतु यह डिफिकल्ट जे बा एक्सप्लेन करवा कष्टर जे लाइफ कौन कहीं लाइफ रत पर्यटन प्रपर डेफिनेशन एत पर्यटन आसीना तो प्रथम जानवा लाइफ लिविंग कौन लिविंग मीन्स दैट ए थिंग ह्विच पजे सच एज ग्रोथ मोमेंट डाइजेसन रेस्पिरेसन एक्सक्रिएसन एंड रिप्रोडक्शन जहाँ कि आम लिविंग कह लिविंग क्या कहो ना जो मान ग्रोथ थी मोमेंट थी डाइजेसन थी रेस्पिरेसन थी एक्सक्रिएसन थी एंड रिप्रोडक्शन करेंगे दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जार एग्जांपल होची मेन एनिमल प्लांट मेन एग्जांपल मेन ग्रोथ करिपारे ग्रोथ करे मूवमेंट करे डाइजेशन हुए रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन रिप्रोडक्शन जहाँकि मेन पाखर देखा जाए एनिमल सेम करे बट प्लांट पाखरे मूवमेंट देखा जाए ना कि ग्रोथ देखा जाए रेस्पिरेशन देखा जाए तो तेणु आम प्लांट को लिविंग बोली कहवा तो ये आप जानवा नॉन लिविंग कौन द थिंग और द मटेरियल ह्विच हैव डिड नॉट डू दिस थिंग्स लाइक मूवमेंट ग्रोथ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन क्या कहवा ना जो जहाँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने सब जहाँ करूँ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ता करे ना जथा मूवमेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करना ग्रोथ हम ना रिप्रोडक्शन करना समस्त जथा एग्जांपल टेबुल चेयर इटीसी टेबुल मूवमेंट करना ग्रोथ कर ग्रोथ हम ना रिप्रोडक्शन करना समस्त प्रकार कौन से कार्य टेबुल करना से नॉन लिविंग कह तो आम जानवा लाइफ विषय तो व्हाट इज लाइफ तो प्रथम आम लाइफ विषय जानवा लाइफ डेफिनेशन कौन लाइफ वी कैन डिफाइन लाइफ एज ए कंडीशन दैट डिस्टिंग्विश एनिमल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आम कौन ना वी कैन डिफाइन लाइफ लाइफ को कमी डिफाइन करवा इट इज ए कंडीशन दैट डिस्टिंग्विश एनिमल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ कि विभक्त करे एनिमल को प्लांट को एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फिजिकल मैटर एंड ऑर्गेनिज्म माने एमानको विभक्त केमती करे ना ऑर्गेनिक भाव विभक्त करे इनऑर्गेनिक आउ तांको फिजिकल मैटर को लेकिन एमानको लाइफ टा कोना डिस्टिंग्विश बा विभक्त करा जाए इट इज एक्सप्रेस बाय द फंक्शन व्हिच आर फॉलोइंग बिलो माने एई पांचोटी लाइन को लेकिन लाइफ टा को कोन ना दर्शा जाय छे ए रे कोन आसीबो मेटाबॉलिज्म डी रे फिजियोलॉजी तीन रे ग्रोथ चार रे रिप्रोडक्शन एंड पांच रे आसीबो रेस्पोंस ऑफ द स्टिम्युली लाइफ रो पांचटा फंक्शन कौन ना प्रथम आसीबो मेटाबॉलिज्म सेकंड रे आसीबो फिजियोलॉजिकल देन थर्ड रे आसीबो ग्रोथ फोर्थ रे आसीबो रिप्रोडक्शन एंड फाइव रे आसीबो रेस्पोंस ऑफ स्टिम्युली तो आमे आज प्रथम जानले कौन ना साइंस साइंस कौन एवं साइंस रो डेफिनेशन कौन तापर जानले बायोलॉजी देन बायोलॉजी को डिवाइड कर जूलोजी और बॉटनी जूलोजी विषय जानले बॉटनी विषय जानले तो आम प्रमाण जानले ना बॉटनी यूनिट वन डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड आम कौन कौन जानले लिविंग लिविंग क्या कहुए ना जो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म लिविंग करे ग्रोथ करे मूवमेंट करे डाइजेशन करे आम कौन कहे ना लिविंग आम कौन जानले नॉन लिविंग नॉन लिविंग क्या कहुए जो ऑर्गेनिज्म लिविंग करुवा ऑर्गेनिज्म रो विपरीत करे अथवा माने लिविंग ऑर्गेनिज्म जेपरिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करुच्ची किंतु नॉन लिविंग ग्रोथ करना रिप्रोडक्शन करना मूवमेंट करना लोकोमोशन करना डाइजेशन करना तो आम कौन कह नॉन लिविंग तापर प्लस आम जान लें कौन ना लाइफ क्या कह जाए तो लाइफ क्या कह जाए ना लाइफ को डिफाइन करवा कष्ट कहीं लाइफ रत पर्यटन प्रॉपर मीनिंग आसीना तो लाइफ को आम किपर डिफाइन करचे ना यटा को विभक्त कराई एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट को लेकिन आम कौन ना लाइफ को डिस्टिंग्विश करुचे तो लाइफ को डिस्टिंग्विश कलापर तो तार पांचटा फंक्शन विषय जानले पांचटा फंक्शन कौन ना मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजिकल ग्रोथ रिप्रोडक्शन आउ रेस्पोंस ऑफ स्टिम्युली तो यही पांचटा फेज को आम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जदि मोर भिडियोटी तुम मानक भल लगी तो भिडियोटी लाइक कर सब्सक्राइब कर और भिडियोटी निज सांग सेयार कर रोज।